हेलो दोस्तों, तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और बहुत ही हेल्दी होने वाला है, तो इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए झारखंड का फेमस लौकी का बचका। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सबसे पहले लौकी लेना है। लौकी आप एक या दो ले सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ का लीजिएगा, जो एकदम खींचा होता है ना, आपको उस तरीके का लौकी लेना है। यहाँ पर आपको अच्छे से इसके छिलके निकाल लेने हैं, मैंने निकाल लिए हैं, और इसके दोनों साइड्स को कट करके हटा देना है। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ। इस रेसिपी को बनाने वक्त आपको बस दो चीज़ का ध्यान रखना है कि लौकी के अंदर बीज नहीं होने चाहिए, यानी कि बिना बीज वाले लौकी, यानी कि बहुत छोटे छोटे बीज होने चाहिए, और जो एकदम छोटा लौकी होता है आपको वही लेना है। और यहाँ पर लौकी को इस तरीके से चाकू से एकदम आपको मीडियम साइज में कट करना है, यानी कि ज़्यादा ना पतला ना ज़्यादा मोटा कट करना है। बिल्कुल इस तरीके से आपको सारे लौकी को कट करके पानी में डालते जाना है, ताकि लौकी काले ना पड़े। तो यहाँ पर बिल्कुल गोल गोल लौकी को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा मैं पतला न ज़्यादा मोटा काट रही हूँ, एकदम मीडियम काट रही हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से सारे लौकी मैं कट करके तैयार कर लूँगी। इस रेसिपी को एक बार बना करके देखिएगा। जो लोग लौकी नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाएंगे, आपसे मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बिल्कुल बहुत आसान रेसिपी है और हेल्दी भी है, तो इसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे लौकी को अच्छे से कट करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल मैं जैसे जैसे कट कर रही हूँ, वैसे वैसे इसे पानी में डालते जा रही हूँ। ये रेसिपी झारखंड और बिहार में अभी के टाइम पे बहुत बनते हैं, क्योंकि अभी लौकी का सीजन है, नए नए लौकी निकलते हैं, और इसका ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर आप सब्जी खा खा करके बोर हो गए हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप एक लौकी अकेले ही खा जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सारे लौकी को एकदम परफेक्ट काट लिया है। ये देखिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से मिला दूंगी पानी के साथ। और यहाँ पर क्या करना है, इसे मुझे बॉयल करना है। आपको बॉयल ज़्यादा नहीं करना है, इसको आपको 60% तक बॉईल कर लेना है। बाकी मैं इसे जब पकाऊंगी तब ये अच्छे से पक जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लौकी के साथ साथ आपको चना दाल और चावल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी के लगभग चावल और आधा कटोरी चना दाल को 6 घंटे पहले फूलने के लिए डाल दिया था। तो ये अच्छे से फूल चुका है, मैंने सारे पानी को निकाल लिया है। और इसे अब मैं क्या करूँगी, मिक्सर जार में ऐड करके एकदम हल्का सा पानी ऐड करूँगी, और आपको इसे एकदम परफेक्ट फाइन पेस्ट तैयार करना है। और आप इस बात का ध्यान रखें, आपका घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, तो क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इसमें अगर लौकी बढ़ाते हैं, तो लौकी आपको साइज नहीं बढ़ाना है, आपको क्वांटिटी बढ़ाना है, क्योंकि आपका लौकी एकदम खींचा वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पेस्ट को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको पेस्ट को ट्रांसफ़र करना है, और यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हाई फ्लेम पर मैंने इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसे आपको बीच बीच में चलाते रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लौकी एकदम परफेक्ट अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। तो बस इसे आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, ये पक चुका है 60% तक। यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी, और इसके सारे पानी को ड्रेन आउट करके अच्छे से आपको इसे रख लेना है। ये देखिए, पानी मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पर लौकी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूंगी, जब तक कि मैं इसके लिए परफेक्ट घोल तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बैटर था दाल और चावल का, उसमें ऐड करूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर आधा छोटी चम्मच आपको जीरा ऐड करना है साबुत,
यहाँ पर आधा टीस्पून हींग और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा कलर अच्छा आए। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है आपको, आधा चम्मच के करीब धनिया जीरा का पाउडर, और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब। आपको ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही आपको ऐड करना है, और यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी और आपको घोल बना करके दिखाऊँगी परफेक्ट कि आपको घोल कैसा रखना है। इसलिए मैं बोली थी कि आपको स्टार्टिंग में पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, तो बिल्कुल इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और घोल एकदम बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं मसालों को अच्छे तरीके से क्या करूँगी, मिक्स कर लूँगी, और ये देखिए एकदम मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर जो लौकी थे मैंने बॉईल किए थे, मैं उसे चेक कर लूँगी कि इसके ऊपर परफेक्ट चल रहा है कि नहीं ये घोल। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से ये घोल लौकी के ऊपर चल रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। आपको बिल्कुल इस तरीके का ही रखना है घोल ताकि वो लौकी के ऊपर चढ़े। और इस रेसिपी को मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी क्योंकि इसे झारखंड और बिहार में सरसों के तेल में बनाया जाता है। सरसों के तेल से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी का। आप चाहे तो कोई और भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सरसों तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है। एक पैन ले लूँगी, आप कोई भी पैन ले सकते हैं, लोहे का या फिर नॉन स्टिक, और उसे आपको हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद तेल डालना है। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को आपको लो करके इस तरीके से एक एक लौकी को डीप करना है घोल के साथ, और यहाँ पर एक राउंड शेप बनाते हुए आपको लौकी को रखना है, ये देखिए। और इसके ऊपर क्या करूँगी, जो बैटर है हल्का हल्का आपको डालना है ताकि अच्छे से ये हाइड हो जाए, जो भी रिक्त स्थान है वो अच्छे से भर जाए, जिस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ चम्मच से, और इस तरीके से आपको इसे फैला देना है। और यहाँ पर एकदम देखिए परफेक्ट मेरा सेब बन गया है, और इसे तेल जो मैंने डाला था चारों तरफ फैला दूंगी ताकि ये चारों तरफ बचके का अच्छे से सीख जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आप फ्लेम को थोड़ा हाई कर सकते हैं थोड़े देर के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ अच्छे तरीके से सीख गए हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे पलट लूँगी, बहुत ही पलटना आसान है, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं है, बस इसके अंदर आपको छोलनी को डालना है और अच्छे से पलट लेना है। तो यहाँ पर फिर आपको दूसरे साइड में थोड़ा तेल डालना है ताकि वो दूसरे साइड में भी अच्छे से लग जाए, और इस तरीके से आपको यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से सेक लेना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा गोल्डन ना आ जाए। और ये देखिए कितना परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगता है, और साथ ही बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और हेल्दी भी है। और ख़ासकर जो लोग लौकी नहीं खाते हैं, जो लौकी का सब्जी नहीं खाते हैं, वो इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करके खा सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा भी तैयार कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल डालूंगी, अच्छे से गर्म करके फ्लेम को लो कर दूंगी, और जो लौकी है एक एक आपको उठा करके इस तरीके से बैटर में डीप करते हुए डालना है। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ। इस लौकी के बचके को जब आप धनिया पत्ती और टमाटर के चटनी के साथ खाएंगे या फिर आलू चने के सब्जी के साथ, तब आपको ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और टेस्टी लगेगा। तो इसके साथ आप इसे ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बचके की रेसिपी कैसा लगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने अच्छे से फैला दिया है इसे, बैटर भी इसके ऊपर डाल दिया है, और इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सिकने दूंगी, और जब ये सिक जाए थोड़ा तो अब आप इसे क्या करें, इस तरीके से पलट ले। तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से ये पलट जाता है। फिर क्या करना है, दूसरे साइड में भी तेल डालना है थोड़ा, और फिर इसे आपको मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से प्रॉपर गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है ताकि ये बिल्कुल कच्चा ना रहे। तो यहाँ पर एक साइड से ये सिक चुका है, आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे दूसरे साइड से भी सेक करके निकाल लूँगी। तो यहाँ ये दोनों तरफ से हो चुका था, तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, और ये आप देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट, कितना टेस्टी दिख रहा है।
तो यहाँ पर लौकी जो भी होता है परफेक्ट तरीके से पक जाता है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है। आप देखिए लौकी आराम से टूट जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और लौकी में मैंने नमक डाला था जब इसे बॉईल कर रही थी, तो इससे इसका टेस्ट में भी कोई सादापन जैसा नहीं रहेगा। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से ट्राई करिए इस सीजन। थैंक यू।